हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो विंटर स्टार्ट हो गया तो मैंने कहा मैं अपने वेलवेट के सूट शेयर कर लूँ। ये मेरे सारे सूट बाहर के हैं, जब मैं बाहर रहती थी। अब मैं 2.5 साल हो गए हैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हूँ, तो ये मेरे वहीं के सूट हैं, बनवाए मैंने वहीं से थे और स्टिच मैंने यहाँ पर करवाए थे। तो ये जो प्लास्टिक स्टोन है, जो प्लास्टिक के नग होते हैं, ये वो हैं, ये ब्लैक नहीं होगी। तो ये मैंने बनवाए वहीं से थे और स्टिच मैंने यहीं पे करवाए हैं। ये मेहंदी कलर है और ये मेरा दूसरा सूट है, ये मेरा पुराना है, काफ़ी पुराना है। तो ये डार्क पर्पल कलर है लेकिन इसमें ब्लैक कलर दिख रहा है। और इसका काम भी आप देख लें, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। तकरीबन ये मेरा 5-6 साल पुराना सूट है। देख लें। और ये मेरा तीसरा सूट, ये ब्लैक कलर में है और ये स्टोन है, ये प्लास्टिक स्टोन है। ये नग भी लगे हुए हैं, जो शीशे वाले नग होते हैं, मोती हैं, यानी मिक्सअप है। ये मेरा बहुत फेवरेट सूट है ये, और बहुत ही प्यारा है। ये फ्रॉक फ्रॉक तरह का बना हुआ है और डिज़ाइन आप देख लें। ये जब बाहर थी तो मैंने वहाँ पे ये डिज़ाइन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये नहीं था कि ये इतना हैवी बन जाएगा। बहुत हैवी बन गया था ये, फिर मुझे पहनना पड़ा। तो ये मैंने अपने भाई की शादी पे पहना था, तो इसको भी बनवाए हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं सूट को, 3-4 साल। तो बाजू पे भी ये डिज़ाइन देख लें, बिल्कुल सिंपल सा है। क्योंकि आपको पता वहाँ पे इस तरह ही अरबने हैवी हैवी ड्रेस पहनती हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगा था तो मैंने बनवा लिया। और इसकी बैक पे भी मैंने डिज़ाइन बनवाया था, इस पे भी प्लास्टिक स्टोन लेस और ब्लू कलर के मोती लगे हुए हैं। ये बैक है, और ये मेरा फोर्थ सूट, ये भी वही है जो सब बाकी सूटों पे मटेरियल लगा हुआ है, और ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, ज़िगज़ैग बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये ड्रेस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने न्यू न्यू चैनल बनाया है। तो प्लीज़, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।